আসসালামু আলাইকুম জি, ওয়েলকাম ব্যাক টু আই চ্যানেল। আপনারা কেমন আছেন? আমি ভালো আছি, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি সুমাইন, আপনারা দেখছেন সুমাইন রিয়াকশনস। তো জি, আজ মেয়ে আপলোক সাথ বহুত হি বেস্ট কিসম কি নিউজ শেয়ার করতে বালি হুম। আপলোক নিউজ শুনকে দিল খুশি হয়ে যায়। ইয়া পে বেসিক্যালি আপলোকে শোনা হোক ইন্ডিয়ান মিডিয়া কি তরফ সে কন্টিনিউসলি রাগ লাপা যা রা থাকে বাংলাদেশ জি ক্রাইসিস কাজ শিকার হো চুকা হ্যাঁ। बांग्लादेश के रिजर्व्स तो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और बांग्लादेश पूरी तरह से श्रीलंका की जो सिचुएशन है उस पर आ गया है। अब जो बांग्लादेश के हालात हैं, जिस तरह वहाँ पे पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ हो गई है, उसके बाद जिस तरह लोग एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पे आ गए हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल श्रीलंका वाली सूरत हाल बन चुकी है। ये चीज़ कंटिन्यूसली इंडियन मीडिया की जानिब से कही जा रही थी। कोई भी ऐसा मीडिया चैनल नहीं होगा जहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा था कि बांग्लादेश ही क्राइसिस का शिकार नहीं हुआ है, बल्कि हर कोई ये कह रहा है कि बांग्लादेश क्राइसिस का शिकार हो गया और बांग्लादेश की तबाही का जो वक्त है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे जी IMF की जानिब से एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है, एक स्लैप कह सकते हैं कि इंडियन मीडिया के मुंह पे पड़ा है और उनकी जो उनको शट अप कॉल दी गई है। बेसिकली यहाँ पे जी उनका कहना है कि बांग्लादेश किसी तौर भी क्राइसिस का शिकार नहीं है, कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस बांग्लादेश को नहीं है, बिल्कुल बांग्लादेश यहाँ पे एक स्टेबल कंट्री है, ये कहना है IMF का। इंडियन मीडिया की इन सब बकवासियात के बाद ये स्टेटमेंट IMF की जानिब से दिया गया है। अभी मैं ये रिपोर्ट आप लोगों को शेयर करूँगी। ये इंडियन मीडिया पर्सन है जो कि इस चीज़ को लेके बात कर रहे हैं। वेल लेट्स सी इनका क्या रिएक्शन है, ये क्या कह रहे हैं और इसके बाद इनको क्या लगता है, इनकी क्या ओपिनियन है। तो वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, लाइक के बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है। ईरी साउथ एशिया में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि बांग्लादेश के अंदर फॉरेक्स का क्राइसिस नहीं है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारे कंट्रीज से कह रहे हैं कि बांग्लादेश भी वैसे ही क्राइसिस में जैसे श्रीलंका या फिर नेपाल या हो सकता है पाकिस्तान हो, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और दूसरी बात, बांग्लादेश का जो एक्सटर्नल डेट है वो भी सिर्फ 14% ऑफ GDP है, 14% ऑफ GDP है। तो बांग्लादेश हैज़ गॉट वेरी लो रिस्क ऑफ डेट डिस्ट्रेस एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम श्रीलंका, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का कहना है। द IMF स्टैंड्स रेडी टू सपोर्ट बांग्लादेश एंड द स्टाफ will engage with the authorities on the program design as per the established policies and procedures of the fund. ये IMF का कहना है कि भरोसा रखिए कि बांग्लादेश की इकॉनमी बिल्कुल साउंड है, बहुत अच्छी शेप में है। ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, इंडियन मीडिया की जानिब से जिस तरह एक तरफ चीख चीख के हर तरफ जी उन्होंने आग लगाई हुई थी कि बांग्लादेश जी इकोनॉमिकल क्राइसिस स्टार्ट हो गए हैं, बांग्लादेश के रिजर्व्स ख़त्म हो गए हैं, बांग्लादेश के पास जी अब सर्वाइव करने के लिए इतने रिजर्व्स रह चुके हैं, पूरी तरह श्रीलंका वाली सिचुएशन हो चुकी है। साथ ही IMF की जानिब से एक शट अप कॉल दे दी गई है इन तमाम मीडिया आउटलेट्स को। यहाँ पे इन्होंने कहा जी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि ये कह रही थी कि बांग्लादेश जो क्राइसिस का शिकार हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ नहीं कह रही थी, सिर्फ और सिर्फ इंडिया कह रहा था कि बांग्लादेश जी क्राइसिस का शिकार हो गया। यहाँ पे मुझे इंडियन मीडिया का जो बिहेवियर है उसे ये लगता है कि जैसे वो इस चीज़ को लेकर बहुत राज़ी हो जाते हैं कि अच्छा जी बांग्लादेश में क्राइसिस स्टार्ट हो गए हैं, बांग्लादेश इकोनॉमिकली वीक होता जा रहा है, तो इस चीज़ की वजह से वो ज़्यादा जो है ना बढ़ चढ़ के इस टाइप की रिपोर्टिंग करते हैं और इस चीज़ को जी प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि हाँ जी जो हम कह रहे हैं सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे IMF ने दिया है एक ज़ोरदार स्लैप इंडियन मीडिया को जो ये सब बातें करते नज़र आ रहे थे। बांग्लादेश बिल्कुल एक स्टेबल इकॉनमी है और बांग्लादेश का डेब्ट टू GDP रेशियो जो है वो बहुत ही कम है, लाइक 15% है, जो कि बहुत ही कम है। यहाँ पे अगर इंडिया के साथ कंपैरिजन करना है तो इंडिया का बहुत ज़्यादा है डेब्ट टू GDP रेशियो, क्योंकि इंडिया हर साल बहुत ज़्यादा जो डेब्ट है वो लेता हुआ नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे मसला इंडिया को अपना नहीं है बल्कि दूसरी कंट्री का मसला पड़ा हुआ है,
कि बांग्लादेश के का डेब्ट जो है वो कितना ले रहा है, कितना आगे लेने वाला है। इसके थ्रू वो बेसिकली अपने ही माइंड में, अपने ही दिल में जो उनकी चाह होती है उसको बताने की कोशिश करते हैं कि असल में वो चाहते क्या हैं। असल में वो चाहते हैं कि बांग्लादेश क्राइसिस का शिकार हो, बांग्लादेश इकोनॉमिकली वीक हो, जबकि ऐसा नहीं है। तो अब ये प्रूफ हो गई है बात, IMF की जानिब से भी इसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बांग्लादेश एक साउंड इकोनॉमी है, स्टेबल इकोनॉमी है, किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बांग्लादेश इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार होने वाला है। ठीक है, वेल आप लोगों को ये न्यूज़ देख के कैसे लगे, आप लोगों का जो भी कहना है आप लोगों ने लास्ट में बताना है कमेंट सेक्शन में। वीडियो को आप लोगों ने लास्ट में लाइक करना है, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें, वीडियो को लास्ट में शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस टिल देन, टेक केयर, अल्लाह।